नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में हमारा फोकस रहेगा कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में आज सुबह सुबह की पहली रणनीति भी हम आपके सामने रखेंगे और इसी के साथ ही साथ आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आज इस साल का 2022 का पहला कारोबारी सत्र है और शुरुआत थोड़ी हल्की कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। अगर एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें इस वक्त तो करीब एचडीएस निफ्टी करीब 20 अंक नीचे इस वक्त शुरुआत कर रहा है। हैंगसैंग में भी कमजोरी है 42 अंकों की और निकाई में भी करीब 115 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ये तो हाल हुआ एशियन मार्केट का और हमने जो शुक्रवार का सेशन था वो हमने देखा था कि अच्छी बढ़त के साथ बाजार क्लोज हुए थे, काफी अच्छे संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन आज रणनीति क्या अपनानी चाहिए इस वक्त की क्यूज को देखते हुए ये भी समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और पूरी डिटेल्स लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा, अपना सभी व्यूअर्स को और आपको हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, शुक्रवार को बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए यूएस मार्केट्स, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे ईयर प्रदर्शन देखें तो चाहे S&P हो, नैसडैक हो, डाउ, सब में कम से कम लगभग S&P की तो मैं बात करूं तो लगभग 27% का रिटर्न रहा। चलिए पहले शुक्रवार के ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं कि वहां पर हमने थोड़ी कमजोरी देखी। नैसडैक में लगभग 100 अंकों का दबाव था, डाउ और S&P में भी हल्का 0.25% का वहां प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अगर आप पूरे ईयर अगर आप S&P की बात करें, S&P इंडेक्स में कम से कम पिछले दो साल में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है 77 हाईज लगाए हैं हर, यानी इस दौरान 18 महीनों के दौरान, तो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाईज देखे S&P इंडेक्स में। और इस अगर 2021 का प्रदर्शन देखें तो लगभग 27% का रिटर्न S&P इंडेक्स ने दिया है, सबसे हाईएस्ट रहा है। उसके बाद आपको डाउ में लगभग 19% का रिटर्न मिला और नैसडैक में लगभग 22% का रिटर्न दिया। तो 2021 का ये रिटर्न रहा है। यूएस मार्केट शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। इस वक्त थोड़ी सी एशियन मार्केट से क्यूज भी मिक्स जा रहे हैं। नैसडैक आपको निकाई में इस वक्त दबाव दिख रहा है और यूरोपियन मार्केट से भी लिटिल मिक्स क्यूज आ जाए। अगर आप दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो ब्रेंट क्रूड देखिए, वहां पर शुक्रवार को थोड़ा सा दबाव देखने को मिला लेकिन बाद में रिकवर हुए बाजार और ब्रेंट क्रूड लगभग अब $78 पर बैरल के पास है। कल एक बहुत अहम बैठक है 4 जनवरी को ओपेक प्लस देशों की और ये एक स्केड्यूल्ड मीटिंग है जिसमें इनकी डेली प्रोडक्शन बढ़ाने 4 लाख बैरल पर डे बढ़ाने पर लेकर फैसला लिया जाना है। हालांकि उम्मीद यही है ऑनलाइन ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं की जाएंगी और इतना ही प्रोडक्शन पर डे का बढ़ाया जाएगा, तो इस बैठक पर नजर जरूर रखनी होगी। इसके अलावा अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 96 के नीचे है, यहाँ कमजोरी रही है 95.75 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से है एग्जैक्टली। और तो यहाँ बॉन्ड यील्ड हल्की सी बड़ी जरूर है लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे है इस वक्त। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन में लगभग वहां भी वॉलेटिलिटी जारी है, वहां पर भी अभी प्रेशर ईज आउट नहीं हुआ है, 47,000 के आसपास है बिटकॉइन का प्राइस। तो ये क्यों रहेंगे आज के सेटअप के लिए पूजा? बिल्कुल, तो जो संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त हल्की कमजोरी के मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नए साल की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो संकेत जो हैं शुरुआती वो थोड़े कमजोरी के साइड हैं। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी गिरावट के साथ गिरावट देखी गई थी और S&P और डाउ में भी हल्का दबाव देखने को मिला था और क्लियरली उसका असर देखिए एशियाई बाजारों पर भी इस वक्त दिखाई दे रहा है और हल्के दबाव के साथ इस वक्त शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की। एक बार आपको दिखा देते हैं कि FIs और DIs के आंकड़े भी कैसे थे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि इन संकेतों को देखते हुए आज के लिए रणनीति आप क्या अपना के चले। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो FIs ने कैश मार्केट में जो शुक्रवार को जो आंकड़ा था 575 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा ये निकल कर आया है। DIs की तरफ से कैश मार्केट में 1166 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 844 करोड़ की खरीदारी हुई है FIs की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन में लेकिन जो आंकड़ा है वो बिकवाली का है, करीब 3248 करोड़ का जो आंकड़ा है वो इंडेक्स ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आंकड़े काफी छोटे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन इन तमाम क्यूज को आज कैसे पढ़ना चाहिए आज के लिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं है, थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं,
इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए? शुक्रवार को जो तेजी थी वो आज थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है या ऊपरी स्तरों से दबाव हल्का एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा, और आपको ईटी नाउ सदवेश की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जिस तरीके से बाजार बंद हुए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो थी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर हम बार बार कह रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर एक थोड़ा स्ट्रेंथ मिलना है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन जरूरी है, वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखा था, तो वो एक काफी पॉजिटिव चीज था। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग या फिर कह लीजिए कि ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, बट जिस तरीके से बैंकिंग का पार्टिसिपेशन था, उम्मीद यही है कि आज के दिन में भी आप पॉजिटिव बायस देखेंगे मार्केट में आते हुए, कंसिडरिंग कि बैंकिंग का क्लोज अच्छा था और एट द सेम टाइम यू नो स्टॉक स्पेसिफिक भी मूव काफी अच्छे दिख रहे थे। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इंडेक्स की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। बट यस, निफ्टी में मुझे लगता है पूजा करीब 17,500 का जो जोन है वो क्रिटिकल रहेगा, वहां जाके डेफिनेटली हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो 17,500 आप मान के चलिए, 17,600 ये आज के लिए क्रिटिकल होंगे, और नीचे अगर इनकेस प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा आता है तो 17,320 से लेकर 200 का जोन ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग लेड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जो मूव होना चाहिए, तो उसमें 35,800 लेकर 36,500 ये लेवल क्रिटिकल होंगे ऊपर के साइड पर बैंकिंग इंडेक्स में। वहीं पे 35,100 से लेकर 34,700 ये सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो ये राय बाजार पर दे दी गई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपनाएं? बिल्कुल पूछा था, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां पे ब्रेकआउट हुआ था दो स्टॉक्स, वही मैंने आइडेंटिफाई किया, कंसिडरिंग कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है यहाँ पे मोमेंटम लूज नहीं करेगा। तो पहला स्टॉक है उसमें हिंडाल्को। पिछले करीब 6-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में जो ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के सेशन में, उसमें वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे। तो एंटिसिपेशन ये है कि नियर टर्म में आपको 495 तक के लेवल्स हिंडाल्को में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 464 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक है पॉलीकैप का, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये क्लोज किया है। तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि 2600 के लेवल नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप रखेंगे स्टॉप लॉस 2390 का और करेंगे लॉन्ग। ओके, ठीक है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बता दी गई है। मेटल स्पेस में शानदार एक मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पर आप नजर रखिए हिंडाल्को पर और पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो एक दायरा आपको बता दिया गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए वो है 17,500 से 17,600 का, इस पर नजर रखिए। उसके ऊपर जाता है फिर आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना इसी दायरे में बाजार का कारोबार करेगा। निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 17,320 से 17,200 का दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी का भी आपको बता दिया गया है 35,800 से 36,500, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। 35,100 और 34,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये तोड़ा तो फिर और कमजोरी बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल और जैसा कि अजीत भी बता रहे थे, इसी दायरे में इसी रेंज के आसपास कारोबार करता हुआ बाजार नजर आएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहां पर अपना के चले। हिंडाल्को और पॉलीकैब आपको बताया, इसके अलावा जो कुछ कॉल्स हमें मिल रही हैं आज लगभग सभी कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पॉजिटिव है। जो पहला कॉल है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स पर, खरीदारी करने की राय दी जा रही है, 1,000 के लक्ष्य हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 952 का। जो दूसरा है इसमें अमराजा बैटरीज, यहाँ पर भी हमने देखा था अच्छी बाइंग आई थी शुक्रवार के दिन, और खरीदारी करके चलिए, 625 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 660 का। निर्मल बैंक की तरफ से भी हमें दो कॉल्स मिल रही है, उसमें पहला कॉल है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 410 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, स्टॉप लॉस होगा 375 का। और अगला कॉल है एसआरएफ, एसआरएफ पर भी नजर लगे, लगातार एक तेजी दिख रही है और काफी सारे एनालिस्ट के रडार पर भी है ये स्टॉक। 2,500 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए, 2,324 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। फोकस ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स पर ही है और मेटल स्पेस से हिंडाल्को पर आपको खरीदारी करने की राय आज के दिन दी गई है, तो सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय।
अब आगे बढ़ते हैं और इन 2 दिनों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए दिसंबर महीने के, और किस तरह के नंबर्स रहे हैं वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। शुरुआत टाटा मोटर्स से करेंगे। अगर साल दर साल देखेंगे तो 23% की बढ़त हुई है, मंथ ऑन मंथ 12% की बढ़त देखी गई है, और अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महिंद्रा महिंद्रा के नंबर्स भी सामान्य थे, अनुमान के मुताबिक कह सकते हैं। वाईओवाई देखेंगे तो 11% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। मारुति सुजुकी के नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक ही थे। अगर मंथ ऑन मंथ कंपेयर करेंगे 10% की बढ़त देखी गई है, सालाना आधार पर यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है, तो अनुमान के मुताबिक नंबर्स। आयशर का जो वॉल्वो सेगमेंट है वहां पर देखिए शानदार ग्रोथ आई है और अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं। अगर सालाना आधार पर बात करेंगे तो 26% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, मंथली मंथ ऑन मंथ में 51% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आयशर के टू व्हीलर सेगमेंट पर आ जाते हैं, वहां पर भी 7% ग्रोथ देखी गई है सालाना आधार पर, अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स गिरावट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ आधार पर 13% की बढ़त है, तो ये भी नंबर्स जो हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ कमजोर नंबर्स की, तो यहाँ पर टीवीएस मोटर्स के नंबर्स देखिए 8% की गिरावट दर्ज हुई है सालाना आधार पर भी, और मंथली बेसिस पर भी कमजोर नंबर्स आए हैं। M&M के नंबर्स भी अनुमान से कमजोर हैं, 19% की गिरावट कुल बिक्री में देखी गई है, और स्कॉट्स में भी कमजोरी आंकड़े करीब करीब 40% की गिरावट यहाँ पर स्कॉट्स के नंबर में भी देखने को मिली है। तो ये तो 3 नंबर है आखिरी के, वो वीक है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स अनुमान से बेहतर और ज्यादातर नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। तो ये हमने आपको ऑटो बिक्री के नंबर्स बताए, इसके अकॉर्डिंग आज आप यहाँ पर एक्शन कुछ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स आज के लिए कौन कौन से हैं ये भी बात कर लेते हैं, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों वाले शेयर्स आज कौन से होंगे? ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्केट्स के जो Q3 अपडेट है वो बहुत अच्छी आई है, ऑलमोस्ट 34% अपटिक देखा गया और लगभग 17 स्टोर्स की एडिशन हुई है तीसरी तिमाही में, और RBL बैंक का भी तीसरी तिमाही की अपडेट आई है। लेकिन अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डिपॉजिट्स, रिटेल डिपॉजिट्स, इन सब में जो है एक टाइप से डाउनटिक देखने मिला है, लेकिन एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर होगा क्योंकि RBI के बोर्ड के नॉमिनी नियुक्त करने के बाद जो डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है ऑलमोस्ट 0.7% की बढ़ोतरी हुई है। अरबिंदो फार्मा में भी के नित्यनारायण रेड्डी जो है नए MD नियुक्त होंगे और उन्होंने अपनी वैक्सीन बिजनेस को नए यूनिट में ट्रांसफर कर दिया लगभग 300 करोड़ के लिए। आपके मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स भी थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं, हरियाणा ने ऑर्डर किया है कि लगभग जो सिनेमा हॉल्स की क्लोजर होगी COVID-19 के लिए, और एक बड़ा मूवी का जो रिलीज था RR उसका जो है पोस्टपोन हो गया डेट, तो एक टाइप से नेगेटिव प्रेशर स्टॉक्स में रहेगा। रियल्टी स्टॉक्स में थोड़े पॉजिटिव न्यूज आए हैं, कर्नाटक ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉपर्टी गाइडेंस को कम कर दिया 10% के लिए अगले 3 महीने के लिए, तो इस पे आपके साउथ बेस्ड प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर्टी टैक्स को वेव ऑफ कर दिया जिनका घर जो 500 स्क्वायर फीट के नीचे है, हालांकि ये बहुत कम लिस्टेड प्लेयर्स के पास है, लेकिन कोल्टे पाटिल और अजमेरा रियल्टी रहेगा फोकस में। HDFC लाइफ में आप देखें तो एक्साइड लाइफ का अधिग्रहण जो है पूरा हो चुका है, और एविएशन स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, और ATF की जो कीमत होती है जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल की उनमें लगभग 2.75% तक की बढ़ोतरी होगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि फ्यूचर रिटेल रहेगा फोकस में, पहला पेमेंट जो ऑब्लिगेशन होता है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट के बाद ऑलरेडी वो मिस कर गए हैं पेमेंट, तो लगभग जो डिफॉल्ट अमाउंट है लगभग 3,950 करोड़ का है। और आखिर में रिलायंस के बारे में बात करूंगा जहां पे विदेशी कर्ज के जरिए लगभग $5 बिलियन जुटाए जाएंगे। बाइट्स ले लें क्या तब तक? ऑलराइट, तो ये तो कुछ थे कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। वाह वाह, शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स के लिए, और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो काफ़ी सारे कंपनी हम देख रहे हैं अब, क्योंकि 2022 में हम एंट्री लेने जा रहे हैं और इसी के साथ अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, और उसके पहले देखिए कुछ सेल्स अपडेट और क्वार्टर 3 के अपडेट भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, RBL बैंक,
के नंबर्स आए हैं और काफ़ी सारे नंबर कंपनियों ने अपने सेल्स अपडेट और क्वार्टरली अपडेट नंबर्स जारी किए हैं, तो उसके चलते भी कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है, आप यहाँ पर नजर रखिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साल 2022 में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के सीआईओ महेश पाटिल आने वाले साल 2022 में बाजार को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगले साल कॉर्पोरेट अर्निंग और जीडीपी ग्रोथ में एक सुधार देखने की उम्मीद है। आइए आपको सुनवा देते हैं। 2022 अगेन इज अ पीरियड ऑफ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन, ओके, वेयर वी आर सीइंग द हाई लिक्विडिटी व्हिच वाज देयर, ओके, दैट विल स्टार्ट टू ईज ऑफ, इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट टू गो अप, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट देन व्हाट वी हैड लास्ट ईयर, बट एट द सेम टाइम वी आर सीइंग एट लीस्ट इन इंडिया the corporate earnings growth is likely to really improve because last year India was still lagging behind in terms of recovery. And so while we are expecting that the earnings growth would be over the next 3 years could be around in the mid-teens, again, driven by across various sectors. The domestic sectors are ones which will do well. The domestic cyclicals, including the banking sector, the manufacturing, industrial, real estate, All will contribute. 2022 से भी अच्छा रहेगा। आपने ओमिक्रॉन का जिक्र किया तो सबसे ज्यादा फैल रहा है वो है फ्रांस, यूके और डाओ, और वो कल तीनों इंडेक्सेस ने न्यू हाई मारे। आपने सुना न्यू हाईस्ट पे चलेगा इंडेक्स, और आप यहाँ जूझ रहे हो जहाँ आया भी नहीं है, तो चिंता डाकनी है। सबसे पहले आपको घबराती है, यही चिंता के ऊपर आप वश कीजिए और लेने का संभावना कीजिए। पहली बजट पहली फरवरी से पहले न्यू हाई आएगा और उसके बाद अप्रैल में 22,000 का इंडेक्स। ये ओमिक्रॉन विल मार्क द एंड ऑफ द पेंडेमिक और एंडेमिक हो जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते में ये बढ़ता है और उसके बाद खत्म होता है और उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत लो है। थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा हैजा और ये सब जाता है, 5 दिन में ठीक हो जाता है। दिस इज वॉट साउथ अफ्रीका एंड द अदर, और बाकी अगर देश या तो वो गलत है या वो सही है, हम गलत है या हम सही है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा ये सब प्राइस्ड इन है, इस समय आपको अपना पैसा तैयार कर रखना चाहिए अच्छे शेयर लेने के लिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। तो इक्विटी बाजार में मार्केट दिग्गजों की क्या राय है ये भी हमने आपको सुनवाई। कोई भी गिरावट अगर हल्का भी करेक्शन आपको देखता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बाजार के लिए। ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट में कहाँ नजर रखें इस पर भी बात कर लेते हैं, और कुआजी ग्रुप के रवि द्योरा इस पर हमारे साथ मौजूद है। रवि, गुड मॉर्निंग और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपसे समझना चाहेंगे आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, साथ में एटी की पूरी टीम एंड पूरे जो भी हमारे दर्शक है सबको नए साल की शुभकामनाएं। लास्ट ईयर जो हेल्थ के हिसाब से रहा था इससे काफी बेटर हो, और वेल्थ ऑलरेडी बन रहा है मार्केट में। जैसे मैं आपके अगले सेशन में सुन रहा था सारे जो एक्सपर्ट्स है वो बुलिश है, तो आई थिंक ये बुलिश ट्रेंड जारी रहे और अब दर्शकों का पैसा बने, यही शुभकामनाएं। शुरुआत आज से करेंगे। आज बेसिकली लग रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट है उसमें ज्यादातर हमें आज कमोडिटी मार्केट के लिए देखना है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होते हुए मींस के जो लेट इवनिंग सेशन है उसमें काफी अच्छी गिरावट आई थी। तो ऑलवेज जब डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो आई थिंक इसके लिए आप ध्यान रखें गोल्ड को। साथ में ये ओमिक्रॉन का रिस्क है या रिस्क नहीं, ऐसे एक अनसर्टेनिटी का एक फ्लेवर भी है, तो वो भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलना चाहिए 48,500 तक के टारगेट के लिए, एंड 47,840 तक का एक स्टॉप लॉस लगाए। ये पहला मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा साल का पहला, एंड मुझे लग रहा है कि गोल्ड ये पूरे साल आउट परफॉर्म कर सकता है वर्सेस अदर एसेट क्लासेस। एंड निकल मुझे लग रहा है कि उसमें भी बाय करना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिमांड से ज्यादा सप्लाई के कंसर्न्स रहते हैं। जब भी लास्ट टाइम कोविड का खतरा बढ़ा था तब सप्लाई रिलेटेड काफी डिस्टर्बेंस हुए थे, अगर कोविड का खतरा नहीं बढ़ता है ओमिक्रॉन लिमिटेड रहता है तो डिमांड का एक सपोर्ट मिलेगा इसको। तो मुझे लग रहा है निकल में बाय करें 1598 के टारगेट के लिए एंड 1550 का स्टॉप लॉस। तो निकल एंड गोल्ड दोनों में आज खरीद करके जाना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये सारी रणनीति सुझाने के लिए आपका।
अब आगे बढ़ते हैं और इस सेलिब्रेशन के माहौल के बीच हमने देखा कि कोविड के भी जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में करीब 27,000 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो मुंबई और दिल्ली से देखने को मिले हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में आंकड़ों की अगर बात करें तो 8,036, तो वही राजधानी दिल्ली में कोरोना के करीब 3,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और संक्रमण के बढ़ते काफी सारे राज्यों ने यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाने का भी फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं, जबकि सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50% वर्क फोर्स के साथ कामकाज होगा। तो ये पहला स्टेप लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शन अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की तरफ से लिए गए हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में राज्य इसको कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें, अहम जानकारी, पीएम मोदी के ऐलान के बाद आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।